चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब, मैं सैमुअल बॉबी सन ऑफ बिलम सी, मैं सर जनाब के जेर साया सिविल कोड वानी अदल में डेली बेजिस खाक रूप की नौकरी सर अंजाम दे रहा हूँ। सर मैं जनाब के साया 11 साल से जनाब की खिदमत कर रहा हूँ, जिससे प्यारे हमारे जितने डेली बेजिस गैर मसीही या मसीही हैं वो सब के सब जो से हैं सर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि 2 माह 16 दिन से लेकर हमें सैलरी हमारी आ नहीं रही, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर 11 साल से कोई 8 साल से कोई 9 साल से कोई 12 साल से डेली बेसिस की नौकरी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सर उस वक्त भी ऐसा ही होता था, 4-5-6 माह बाद हमारी सैलरी आती थी, तो उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे। सर इस वक्त हालात जो महंगाई के दौर में जा रहे हैं, सर हमारे घर के हालात इतने ख़राब हैं कि हमारे घर में खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। सर हम मसीही लोग जो जो इस वक्त हमारे भी रोज़ों के आम हैं, आज हमारा 25वां रोज़ा है और मेरे बच्चे जो रात को रोज़ा रखते हैं और अगले दिन शाम को खोलने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती। जनाब से अपील है, जनाब से दरख्वास्त है कि आज हमारा अपना यानी कि 25वां रोज़ा है और 31 मार्च को हमारी जो सी रोज़ों की ईद है वो है, तो जनाब से अपील है, 2 माह 16 दिन हो गए हैं अभी तक हमें जो सी सैलरी है वो हमारी आ नहीं रही, तो आपसे दरख्वास्त है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब के हमारे ऊपर ख़ास रहम किया जाए। ये सर मैं अपने घर की रसोई में हूँ जहाँ इस वक्त मैं आपको अपने घर के हालात दिखा रहा हूँ। ये सर एक छिकू है जिसके अंदर थूम प्याज अदरक वगैरह होता है, तो ये देखिए ये खाली है। सर अभी बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है, खोलने का रफ्तारी का टाइम हो रहा है, ये आटा है ठीक है। और सर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि आटा हमारे पास है लेकिन हमारे सिलेंडर के अंदर गैस नहीं है, क्यों नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि सर हम जो उधार लेकर खाते हैं जहाँ से उधार लेते हैं वो भी अभी तक हम लोगों ने उधार उतारे नहीं है। सर मुझे 3 माह का बिजली का बिल है, 2 माह का 3 माह का मेरा पानी का भी बिल है, यकीन करें कि वो भी अभी तक पे नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि हमारे पास सैलरी ही नहीं मारी आई। सर हम अपने स्टाफ के पास सैलरी के बारे में जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि अभी तक हाई कोर्ट से आपका बजट नहीं आया। सर हाथ जोड़कर आपके आगे अपील करता हूँ, अपने जितने हम डेली बेसिस के हैं, मसीही हैं या गैर मसीही हैं, सबके हालात इतने बुरे हैं कि सर मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमें सैलरियाँ दी जाएं और आपकी मेहरबानी से हमारे घर में भी आटा वगैरह आए, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ना हमारे पास आए। ये सर हमारी आटे की बाल्टी है, ये होल पोट है, इसके अंदर कोई शायद नहीं है। तो जनाब से अपील है कि जो जिन जिन लोगों से उधार लेते हैं, उधार उतारने हैं, वो कहते हैं तो उन्हें कहते हैं यार अभी हमारी सैलरी नहीं है, तो आपकी मेहरबानी है। सुबह को जब ड्यूटी पर जाते हैं तो सर बड़ा भाई से जो जिनके उधार देने उनसे बड़ा अपना यानी कि ना छुप के जाते हैं कि यार वो कहीं रोक ना ले, वो ये ना पूछे कि यार अभी आपने उधार लिया उतारा नहीं, तो सर हमारे पास होते ही नहीं कुछ कि हम लोग उनका आमना सामना नहीं अपना यहाँ पे करते। आपकी मेहरबानी है, मैं दुआ गो हूँ कि खुदामन यसू बादशाह आपको और ज़्यादा सरफराजी दे, आपके बच्चों को अपने मुबारकबाद के साए के नीचे खुदा बादशाह महफूज रखे और आपको और ज़्यादा सरफराजी दे। आपकी मेहरबानी है, इस मेरी रिक्वेस्ट को सर मेहरबानी है कि इस पर हमारी रिक्वेस्ट पर जो डेली बेसिस के मुलाजम हैं जो इस वक्त बड़े मजबूर हैं, बड़े ज़्यादा यानी कि परेशान हैं, उनको सर आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आपकी मेहरबानी है, आपका हमारे पर सहन रहेगा, हमारी जितनी सैलरी है वो हमें दी जाए और सर जो हमारे बकाया जात
हैं वो भी आपकी मेहरबानी समय तक मिल जाए ताकि हम अपना अपना पानी का बिल, बिजली का बिल, अपने उधार सुधार, अपनी ईद अच्छी तरह से मना सके। आपकी मेहरबानी है, खुदा आपको और ज़्यादा सरफराज करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।